सब्सक्राइब कीजिए पोलोजी टेक्निकल को, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरटेल का अनबॉक्सिंग वीडियो करके, जिसमें नया सेट बॉक्स आया है और नया मॉडल आया है। वैसे सेम है, एचडी में है, और फ़र्क नहीं है कि बस उसमें मॉडल चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो पहले था वही है, और इसी में अभी मॉडल चेंज हुआ है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सेट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस सेट बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे एक फॉर्म निकलेगा। ये फॉर्म दोस्तों कस्टमर को एग्रीमेंट फॉर्म के रूप में दिया जाता है, जिसमें आईडी नंबर, कस्टमर आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह, यहाँ पे सब डिटेल भर के दिया जाता है, और एक साल के लिए वारंटी रहती है इस सेट बॉक्स की। कस्टमर के पास प्रूफ रहता है कि हम दुकानदार से कब सेट बॉक्स वगैरह खरीदा गया है उसके बारे में, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर इसमें आईडी नंबर होता है तो आईडी नंबर से भी पता चल जाता है कि ये सेट बॉक्स कब लिया है, कब वारंटी में है, आउट ऑफ वारंटी है, सब पता चल जाता है। वैसे ही इसका कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे नया सेट बॉक्स देख सकते हैं दोस्तों, ये है सेट बॉक्स एचडी का और एयरटेल का है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आगे देखेंगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन है, और यहाँ पे एरो है लाइट का, जो सेट बॉक्स ऑन होगा तो यहाँ पे एरो दिखेगा। और यहाँ पे रिमोट का सेंसर दिया हुआ है, वाईफाई नहीं, ये रिमोट के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे आप मेमोरी वगैरह डाल सकते हैं, जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों रिकॉर्डिंग किया हुआ इसी बॉक्स में चलेगा और किसी में नहीं चलेगा। जैसे कि आपने रिकॉर्ड कर लिया और किसी और डिवाइस में देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। दोस्तों इसमें रिकॉर्डिंग किया गया इसी सेट बॉक्स के अंदर चलेगा। आप मान लो कि आपने रिकॉर्डिंग कर लिया और किसी और डिवाइस में देखना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, इसमें रिकॉर्डिंग किया गया इसी में देख पाएंगे। अगर आपने मेमोरी या पेन ड्राइव अगर गलती से भी निकाल दिया तो वो आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, और इसमें डालते ही दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा, और वो जो पहले आपने रिकॉर्ड किया वो सारे प्रोग्राम डिलीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों डॉल्बी ऑडियो साउंड है और अच्छी क्वालिटी का साउंड है, और एचडी बॉक्स है, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। और 3 महीने का अगर साथ में लेते हैं ना, जब भी आप सेट बॉक्स नया लेते हैं तो 3 महीने के लिए रिकॉर्डिंग साथ में आती है, आप अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नया मॉडल है, और यहाँ पे एयरटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों पीछे बात करें तो यहाँ पे आपको एंटीना लगाने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन है, इसमें इंटरनेट चलेगा नहीं वैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यूएसबी का ऑप्शन है, इसमें आप पेन ड्राइव वगैरह डाल सकते हैं, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एचडीएमआई का ऑप्शन है, जिसमें आप एलईडी में लगवा सकते हैं एचडीएमआई, एचडी क्वालिटी देखने के लिए। और यहाँ पर अगर आपके पास टीवी है तो आप इसमें ऑडियो वीडियो केबल लगवा सकते हैं। और अब दूसरा है, और दोस्तों अभी ये अडेप्टर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अच्छी क्वालिटी का अडेप्टर है ये वाला अडेप्टर, एम ओ एशो कंपनी का अडेप्टर है। वैसे एयरटेल का, एयरटेल ने ही इसको बिलिंग किया है। वैसे अडेप्टर बहुत ही बढ़िया कंपनी का है दोस्तों, और ये वाला आपके पाँच साल तक ही आपके कुछ भी नहीं होने वाला है, बेस्ट क्वालिटी का अडेप्टर है। और दोस्तों यहाँ पे हैं एयरटेल का रिमोट, और इसके साथ में बैटरी भी साथ में है, सेल जिसे हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली हैं ये भी एचडीएमआई केबल, जो कि 100 रुपये की केबल है, और अच्छी क्वालिटी के दोस्तों इसमें भी, ठीक है। और ये केबल आपको एचडीएमआई क्वालिटी दिखाएगी, एचडी क्वालिटी देखने के लिए एचडीएमआई केबल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसके साथ में ये 4 आइटम आते हैं, पहली जो है दोस्तों एचडीएमआई केबल, दूसरा सेट बॉक्स, तीसरा अडेप्टर,
और उसमें था रिमोट। ठीक है दोस्तों,